वर्तमान में जियो, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे दुख का मेन कारण जो है वो यही है कि हम वर्तमान में जीते नहीं हैं। वर्तमान में जीना हमें आता ही नहीं है। वर्तमान में जीने का अनुभव क्या है वो हमने देखा भी नहीं है, वो हमने अनुभव नहीं किया, कुछ भी मालूम नहीं वर्तमान में। हम आज वर्तमान में करते क्या है? वर्तमान में हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे की योजना बनाते, आगे का प्लान बनाते और मुझे आगे का सुख कैसा अच्छा होगा, फ्यूचर मेरा जो है वो कैसा अच्छा मैं करूं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। यदि कल का आने वाला दिन, फ्यूचर मुझे अच्छा तैयार करना है और अच्छा मैं देख रहा हूँ, मुझे अत्यानंद देने वाला है, बहुत खुशियाँ देने वाला है, इसका एक मतलब ये होता है कि आज मैं उतना सुखी नहीं हूँ, इतना खुश नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं खुश नहीं हूँ तभी भी मैं कल के सुख के बारे में, खुशियों के बारे में सोचने वाला हूँ। देखो, जो आदमी भरपेट है, जिसने भरपेट खाना खाया है, उसको खाने के सपने कभी आएंगे नहीं। जो आदमी ने भरपेट खाना खाया है वो फ्यूचर में ये नहीं देखेगा कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, वो और कुछ सोचेगा। तो जो अपने पास में है वो हम क्यों देखें आगे? हमने क्यों देखना है फ्यूचर में कि मुझे वो सुख मिलना चाहिए, खुशियाँ मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आज नहीं है। वर्तमान में हम दुखी क्यों रहते हैं? वर्तमान में दुखी रहने का कारण यह है कि हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में घटी हुई घटनाएं, जिसको हमने बहुत सारा अर्थ लगाया हुआ है, बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ है, बहुत सारे उसके मतलब निकाले हुए हैं, और वो हमें बहुत दुखी करते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं? वैसे हम फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो भूतकाल में हुआ वही भविष्यकाल में हो जाएगा, और वो फिर हमें चिंता देता है, तकलीफ देता है। यदि हम हमारे विचारों में नहीं रहे, यदि हम कोई भी मीनिंग ना निकाले, जो भी हो रहा है वो हो रहा है, जैसी दुनिया चल रही वैसी चल रही है। आज का दिन सोमवार है तो कल का मंगलवार होगा और परसों का बुधवार होगा, ये भी ऐसे कोई वार नहीं रहते, ये हमने बनाए हुए है। ये तो जीवित चल रहा है, जीव चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। हमने चिंता करना जो है वो हमने छोड़ दिया। आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एक अच्छा फ्यूचर, सुखदायी, सुख देने वाला, खुशियाँ देने वाला फ्यूचर, इसका मतलब आज नहीं है। तो आज मैं खुश कैसा रह सकता हूँ वो मैं देखना, और आज मैं खुश कैसा रह सकता हूँ, आज मैं खुश ऐसे रह सकता हूँ कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उसको मैंने गलत मीनिंग नहीं देना, निगेटिव मीनिंग नहीं देना, नकारात्मक मीनिंग नहीं देना, नकारात्मक मतलब नहीं निकालना, क्योंकि जो भी हो रहा है उसका कुछ मीनिंग नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली उसको मीनिंग देते रहता हूँ। जैसी कुछ घटना होती रहती है मैं उसको रेस्पॉन्स देता हूँ और उसका एक अर्थ निकालता हूँ, और वो मुझे दुख देता है। मेरा ये होगा कि जो घटना हो रही है वो हो रही है, वो मुझे कैसे पावर देंगी, कैसा मैं एम्पावरिंग मीनिंग उसको दूंगा, कैसा मैं पावरफुल मीनिंग उसको दे सकता हूँ, कैसा मैं ये घटना से आगे बढ़ सकता हूँ, कैसा मैं फॉरवर्ड हो सकता हूँ, वो देखना जरूरी है, ना कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक मतलब। हम थोड़े समय भी सिर्फ प्रेजेंट में रहते, वर्तमान में, तो अभी क्या हो रहा है? अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। मेरे साथ में भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, तो फिर दुख कैसा? फिर दुख आएगा। दुख जो आता है वो मेमोरी बैग से, जो भी घटनाएं हुई है वहां से आते रहता है। दुख आता है जो मेमोरी बैग से घटना में फ्यूचर में डालता हूं उसके वजह से आता है। तो मैंने उसको बाजू में रख दिया कुछ काल के लिए, और जस्ट प्रेजेंट रहे, जस्ट ध्यान किया, जस्ट विचारों को ऑब्जर्व किया, मैं मेरे से क्या बातचीत कर रहा हूं वो देखा, विचार कौन से आ रहे हैं, एक विचार ऐसे कि जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि कैसे ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं।
क्या कर सकता हूं उसका, मैं ऑटोमेटिक मशीनरी है। दूसरा है, एक मेरे से बातचीत कर रहा है, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, अभी इतना समय हो गया, अभी खाना खा, अभी सोना है, अभी ऐसा कर, वो मेरे से बातचीत कर रहा है एक अंतर्मन, तो वो एक विचार है। वो यदि आप दोनों देखते हैं कि भाई एक बातचीत करने वाला है मेरे से और मेरे को इंस्ट्रक्शन देने वाला एक मन है, और एक जो दूसरा है वो ऑटोमेटिक थॉट्स चल रहे हैं, वो है, उसको मैं यदि ऑब्जर्व करता हूँ, धीरे 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 ऐसा हो जाएगा कि मेरे मन में विचार आएंगे नहीं, उसकी स्पीड ही कम हो जाएगी और मैं शून्य अवस्था में जा सकता हूँ, प्रेजेंट में आ सकता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करें। हम हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से लोगों को निर्विकार, निर्विचार, शून्य अवस्था कैसे लाना, ये ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत खुशी है, बहुत आनंद मिलेगा, और वो भी वर्तमान में, वो भी वर्तमान में। और ये आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आयु जो है लंबी हो जाएगी, टेंशन नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज नहीं होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा और एक आनंदी खुशहाल जीवन आप जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।